5 किलो 340 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूर्व में इसके 11 आपराधिक मुकदमे भी हैं इसी तरीके के अपराध के, और इसके बारे में जो इसने बताया है कोई खच्चर गैंग पहले से रजिस्टर्ड है, इस गैंग का ये एक्टिव पार्ट रहा है। ये स्कूटी में लेके ये माल आ रहा था और ये चेकिंग के दौरान बेदमपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है, इसलिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य जो इसके सहयोगी हैं वो अभी तलाशे जा रहे हैं, विवेचना की बाकी गतिविधियाँ की जा रही है। इसी तरह से एक राजन नट लड़का है, ये रायबरेली के किसी प्लेस से गांजा ले आता है पिट्टू बैग में रख के, इसकी भी इंफॉर्मेशन एक आई कि ये बड़ी मात्रा में गांजा ले जा रहा है, इससे भी लगभग 16 केजी गांजा बरामद हुआ है। चरस की मार्केट रेट जो बताई गई नार्कोटिक्स के लोगों से बात करके वो 60 लाख के लगभग बताई गई है, गांजा भी 1,20,000-25,000 का कीमत एसेस किया गया है। ये दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो चरस की बात है इसके बारे में जो फर्स्ट हैंड इंट्रोगेशन है वो बताती है कि ये नेपाल से बिहार और बिहार से कानपुर लाते थे और यहाँ से फिर अन्य जगहों को भी देते थे। अभी बाकी चीज़ें विवेचना की प्रगति के अंतर्गत हैं कि ये कहाँ कहाँ अन्य जगहों पे देते रहे हैं, क्या इनके कोई और सबलेट से छोटे छोटे केंद्र हों जहाँ पे ये देते हों तो वो भी विवेचना में आएंगे। ये पिछले कई सालों से ये कर रहे थे, ये बात जब से हम आए हैं तब से हमको एक संज्ञान में आई थी, तब से हम इनको चेज भी कर रहे थे और दूसरे संसाधनों के माध्यम से भी कोशिश कर रहे थे कि ट्रेस हो जाए, उसमें से ये कैच है। गैंग के जो मेंबर्स हैं वो 7 से 8 बताए गए हैं जो एक्टिव हैं आज की डेट में, तो उनकी भी हम ट्रेस कर रहे हैं।